नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पोलटाक का यूट्यूब चैनल। मैं हूं संतोष कुमार पांडे। 17 अक्टूबर का दिन है और आज उत्सव का दिन है, क्योंकि करवा चौथ का दिन मनाया जा रहा है। क्या आपको पता है कि करवा चौथ की असली कहानी क्या है, इसके पार्ट क्या हैं और इसमें क्या क्या करना चाहिए? इस बार करवा चौथ का जो समय है पूजन का, 5:46 से शाम 7:02 तक का है। इस बार चांद भी बहुत ही समय से निकलने वाला है। 8:15 पर चंद्रमा दिखाई दे देगा। तो ये सब सारी बातें हैं, जरा आपको बताते हैं कि करवा चौथ में क्या क्या करना चाहिए। करवा चौथ में मिट्टी का टोटीदार करवा लेना चाहिए और उसमें ढक्कन भी हो। करवा चौथ की थाली, कांसे की तीलियां, करवा चौथ का कैलेंडर, रोली और अक्षत, जिसमें साबुत चावल होने चाहिए। चीनी का भी करवा हो सकता है। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी बधाई दी है। इस तरह से पूरे देश में करवा चौथ की धूम मची हुई है। हम फिर आगे बढ़ते हैं। गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी के 5 ढेले होने चाहिए, गंगा जल होना चाहिए, कच्चा दूध होना चाहिए, दही, देसी घी, शहद और हलवा होने चाहिए। करवा चौथ का व्रत हमारे देश में अब धूमधाम से मनाया जाने लगा है। आइए जरा आपको कुछ इसके बारे में हम बताते हैं। करवा चौथ का जो व्रत होता है वो निर्जला होता है। महिलाएं दिन भर पानी भी नहीं पीती हैं। सामान्यतः करवा चौथ का व्रत अकेले नहीं करना चाहिए। समूह में किया गया करवा चौथ काफ़ी फायदेमंद होता है। करवा चौथ सुनते समय, करवा चौथ व्रत में जब आप कथा सुनते हैं उसमें सीख होनी चाहिए। वह सीख शक्ति का प्रतीक होता है। यमराज के सहयोगी भगवान चित्रगुप्त के खाते के पन्ने को इसी सीख के द्वारा करवा चौथ माँ ने उड़ा दिया था। करवा चौथ, करवा जो होता है उस नदी का प्रतीक होता है जिसमें उनके पति का पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। करवा माता की तस्वीर, चंद्रमा और सूरज उसमें होते हैं, जो ये बताता है कि करवा चौथ कितना महत्वपूर्ण है। दीपक के बिना भी करवा चौथ की बात नहीं की जा सकती। करवा चौथ पर दीपक जो हम जलाते हैं उसका मतलब होता है हमारे जीवन में प्रकाश। छलनी का भी होना बहुत जरूरी होता है। पूजा के दौरान जल भर करके रखते हैं। चंद्रमा को शांत करने के लिए हम थाली में देखते हैं। तो दोस्तों, करवा चौथ का व्रत हमारे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। करवा चौथ के बारे में जो जानकारियाँ आपको दी गई हैं ये बड़े ही काम की होती हैं। हालांकि कुछ अलग अलग शहरों में अलग अलग तरीके से रीति रिवाज से मनाए जाते हैं। जिनके पति घर पर नहीं होते हैं वो व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग के द्वारा भी करवा चौथ का व्रत रख लेती हैं। कुछ के पति सेना में होते हैं तो वो बॉर्डर से ही अपने वीडियो कॉलिंग के द्वारा करवा चौथ का व्रत पूरा करते हैं। पत्नी बहुत सारे गिफ्ट भी मांगती हैं और पति देते भी हैं। करवा चौथ का व्रत हमारे देश में अब बड़ा ही महत्वपूर्ण होता चला है। लगातार इसके मनाने की विधियां, इसको पूजा करने की विधि सामने आती रहती हैं। अगर पोलटाक का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।